हेलो, कनीजास रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं रसगुल्ले। पिछले 3 दिन से हमारे घर पे रसगुल्ले बन रहे हैं, इसलिए नहीं कि मुझे बेहद पसंद है, बस मुझे कम से कम सामग्री में इसे बिल्कुल सॉफ्ट बनाना था, इसलिए मैं पिछले 3-4 दिन से इसे ट्राई कर रही थी और अंत में ये एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और कम से कम सामग्री में बन के तैयार हुए है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने अमूल का टोन मिल्क लिया है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और मैंने अब इसे गर्म करने के लिए रख दिया। तो इसे हमें अब फाड़ना है। तो फाड़ने के लिए हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तीनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक है सैट्रिक एसिड, इसे नींबू सट कहते हैं। दूसरा है नींबू, इसका रस निकाल के आप उस दूध को फाड़ सकते हैं। और तीसरा है विनेगर। आज हमने विनेगर से ही दूध को फाड़ा है। तो चलिए, स्टील वाली चम्मच तो सभी के पास होगी, इससे 6 छोटी चम्मच हमें विनेगर और 6 छोटी चम्मच पानी मिलाना है, मतलब 2 टेबलस्पून लेना है। आपके पास वो नहीं है तो स्टील के चम्मच से आप 6-6 टेबलस्पून पानी और विनेगर को मिलाकर हम इसे इसकी सहायता से दूध फाड़ने वाले हैं। हमें इसमें डायरेक्ट विनेगर नहीं डालना है, इसलिए हमने पानी का इस्तेमाल किया है। जितना विनेगर ले रहे हो उतना ही पानी मिलाना है उसमें। यहाँ पर हमारा दूध उबल रहा है। दूध उबलने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और 2 मिनट के बाद हमने जो मिश्रण बनाया है विनेगर और पानी वाला, वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर दूध को फाड़ लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से। अगर विनेगर वाला मिश्रण खत्म हो जाता है तो बिल्कुल आलस ना कीजिए, फिर से वो बनाकर इसे अच्छी तरीके से फाड़ना है। जब तक ये पानी का कलर हरा नहीं दिखता है, इसे वे कहते हैं, तब तक इसे अच्छे से फाड़ना है। छेना जैसे ही अलग हो जाए उसमें ठंडा पानी मिला लीजिए और 2 मिनट तक इसे ऐसे ही रख दीजिए, ताकि गर्म पानी की वजह से हमारा छेना हार्ड ना हो जाए। एक कपड़ा ले लीजिए जिसका टेक्सचर छन्नी जैसा हो, उसके नीचे एक बर्तन, उसके ऊपर छन्नी और कपड़े में सारा मिश्रण पलटा दीजिए। और अब इसमें ठंडा पानी मिला लीजिए ताकि जो विनेगर की खटास है वो निकल जाए। इसे अच्छे से धो लीजिए। एक दो पानी से अच्छी तरीके से इसे धो लीजिए। यहाँ पर जो स्क्वीज करने वाला पॉइंट है ये बहुत जरूरी है अच्छा छेना बनने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ किया ज्यादा नहीं है, बस पोटली उठा दिया, जितना पानी अपने आप से निकलना था उतना निकल गया। अब मैंने पोटली को हाथ में पकड़ के 4 से 5 बार स्क्वीज किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी ऐसा ही करना है। बहुत बार ज्यादा पानी होने की वजह से रसगुल्ले फट जाते हैं और ज्यादा ड्राई होने की वजह से रसगुल्ले हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 4 से 5 बार स्क्वीज कर लीजिए और इस पर अब 5 मिनट के लिए 1 किलो का चकला, 1 किलो का कोई भी वजन आप रख सकते हैं, बस 5 मिनट के लिए, नहीं तो इसमें का पानी ज्यादा निकल जाएगा और हमारा छेना ड्राई हो जाएगा। अब हम चाशनी बना लेते हैं। बहुत सिंपल मेजरमेंट है। एक कढ़ाई ले लीजिए, 1 लीटर दूध के लिए 1 कप चीनी और उसमें 3 से 4 कप पानी डालते हैं, पर हमने यहाँ पे फिलहाल 2 कप ही पानी डाला है। तब तक हम छेना को मसल लेते हैं। हमारा छेना परफेक्ट कैसे बना है ये देखने के लिए आप जैसे ही इसे टच करोगे पानी की हल्की सी आवाज आएगी, तो हमारा छेना परफेक्ट है। तो इसे अच्छे से मसल लीजिए। मैंने छेने में अब तक कुछ मिलाया नहीं है। मैंने लास्ट टाइम इसमें मैदा ऐड किया था तो उसकी वजह से रसगुल्ले थोड़े हार्ड बन गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर प्योर छेने का ही यूज कर रही हूँ, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसल लीजिए, एकदम सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। और अब इसे 2 या 3 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक कर रख दीजिए। यहाँ पर मैंने चॉकलेट बनाई है मेरे फ्रेंड के लिए, इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी से शेयर करूँगी। हमने जो चाशनी बनाई थी 1 कप चीनी और 2 कप पानी वाली, उसमें से आधी चाशनी निकाल के रख दीजिए और बाकी का 2 कप पानी उसमें ऐड कर लीजिए। अब अच्छे से छेना को मसल लीजिए
1 लीटर दूध के 16 से 17 बॉल्स बन के तैयार हुए हैं, और बिल्कुल इसे हल्के हाथों से छोटे छोटे बॉल बनाकर अलग रख दीजिए और उस पर कपड़ा ढक कर रखना है। हमारा शुगर सिरप अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से उसमें उबाल आया है। अब इसे एक एक करते हुए हमें चाशनी में बॉल्स को डालना है और अच्छी तरीके से इसे हाई फ्लेम पर रखना है 2 मिनट के लिए। देखिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है। अब उसके ऊपर कोई बर्तन ढक लीजिए ताकि झाग के वजह से हमारा रसगुल्ला ऊपर से अच्छी तरीके से पक जाए। आप देख पा रहे होंगे, देखिए 2 मिनट में कितने अच्छी तरीके से फूल के तैयार हुए हैं। इसे और थोड़ा देर ऐसे ही पकने दीजिए ढककर। इसे पकने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो इसे ढक कर ही पकाना है। शुरुआत के बस 2 मिनट हमने इसे खुला छोड़ा था। देखिए हमारे रसगुल्ले कितने फूले फूले बनके तैयार हुए हैं। गैस फ्लेम ऑफ कर दीजिए और 2 मिनट तक इसे ऐसे ही रख दीजिए। देखिए इसके साइज से डबल साइज हुआ है। अब एक बर्तन में बर्फ का पानी ले लीजिए और रसगुल्ले चाशनी के साथ उस बर्फ के पानी में डालना है ताकि हमारे रसगुल्ले का साइज बिगड़े ना, वो जैसे है वैसे ही रहे और अंदर से एकदम स्पॉन्जी बने। और हमने जो उठाकर रखी थी चाशनी, अब वो बर्फ के पानी से निकाल के चाशनी में हमें रसगुल्लों को डालना है अच्छे से निचोड़ कर। देखिए हम इसे निचोड़ रहे हैं, फिर भी इसका साइज बरकरार है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। और फ्लेवर के लिए यहाँ मैंने रोज वाटर यूज किया है, आप केवड़ा भी यूज कर सकते हैं। और इसे 2-3 घंटे के लिए अच्छे से फ्रीज में रख दीजिए। ये एकदम फूल के एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे हल्का सा प्रेस कर रहे हैं, फिर भी इसमें से चाशनी भर भर के आ रही है। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। मैं इसे कट करके भी बताती हूँ। बिल्कुल ये अंदर से ढोकले की तरह हुआ है, एकदम जालीदार। देखिए मैंने पिछले 3 दिनों से एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें रवा मैदा दोनों ऐड करके अलग अलग तरीके से बनाकर देखा, पर इतना स्पॉन्जी और सॉफ्ट अब तक नहीं बना था जितना सिर्फ छेने से बनता है। तो प्लीज आप इसे अपने घर पे ट्राई कीजिए, अपना अनुभव कनिजास रेसिपी पे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।